फिनाले से ठीक पहले खुद बाहर हो जाएंगे अभिषेक कुमार। मनोहर के साथ बातचीत में दिया बड़ा हिंट। रियलिटी शो बिग बॉस 17 के फिनाले में अब बस कुछ ही दिन बाकी है। घर के भीतर से कंटेस्टेंट बाकी रह गए हैं और हर खिलाड़ी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच अभिषेक कुमार ने कुछ ऐसा कह दिया है जो उनके सपोर्टर्स को हैरान कर सकते हैं। अभिषेक कुमार ने साफ हिंट दिया है कि सूटकेस टास्क में वो आगे बढ़ने की बजाय बैग उठाकर घर चलते बनने की स्ट्रेटेजी में यकीन रखते हैं। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है। दरअसल पिछले कुछ वक्त में अभिषेक और मनोहर की दोस्ती का बॉन्डिंग काफी मजबूत हुआ है। यहाँ तक कि जब अभिषेक की माँ बिग बॉस हाउस में आई तो उनका फोकस इसी बात पर था कि मनोहर को एक माँ का प्यार मिल सके। मालूम हो कि अभिषेक कुमार और मनोहर फारूकी को टॉप 2 खिलाड़ियों में गिना जा रहा है। अभिषेक कुमार ने रोस्टिंग टास्क के बाद मनोहर फारूकी से कहा, भाई मुझे तो मौका मिलेगा तो मैं तो बैग उठा लूंगा, जनता पागल है तेरे लिए, किसी का कोई चांस नहीं है। अभिषेक कुमार की बात सुनने के बाद मनोहर फारूकी ने एक अच्छे दोस्त की तरह उन्हें मोटिवेट किया और कहा, ऐसा नहीं है, ऑडियंस सबके लिए कर रही थी। वो अभिषेक ईसा ईसा मन्नरा मन्नरा और अंकिता को भी हर राउंड में बुलाने के लिए कर रहे थे। जाहिर तौर पर अभिषेक कुमार, अंकिता लखनदे, मनोहर फारूकी और विकी जैन बिग बॉस 17 की ट्रॉफी के हकदार है, लेकिन पब्लिक वोटिंग के आधार पर तय किया जाएगा कि किसे बिग बॉस 17 की ट्रॉफी और प्राइज मनी दिया जाएगा। मालूम हो कि बिग बॉस 17 में अभी तक ईसा को भी टॉप 3 मटेरियल माना जा रहा था, लेकिन फिनाले से कुछ दिन पहले उन्हें घर से बेघर कर दिया गया। फिलहाल आपको क्या लगता है, बिग बॉस 17 का ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप हमें कॉमेंट बॉक्स पर बताइए और ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।